हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी को पता ही होगा कि कल हमने जो लाइव सेशन लिया था ओपन बुक एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो आपके के जो डाउट्स थे, तो काफ़ी अच्छा सेशन रहा। बाकी बीच में एक गड़बड़ ये हुई कि मेरा जो डाटा था वो ऑफ हो गया ऑटोमेटिकली, जिसके कारण यूट्यूब से डिसकनेक्ट हो गया। पर उस 40 मिनट के सेशन में मैंने काफ़ी ज़्यादा डाउट आपके क्लियर कर दिए। मैक्सिमम 60-70% तक मैंने आपके डाउट को क्लियर कर दिया। जो बची कुछ ही कसर है वो मैं अगले लाइव में जब भी आऊँगा तब मैं आपके उसमें डाउट क्लियर कर दूँगा। तो फाइनली कई स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा पूछना यही था कि सर सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम है क्या और किसको देना है किसको नहीं देना है और इसकी डेट क्या है। तो इसके ऊपर ही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर ले, यानी सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, जो भी आप कहते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल है। क्यों ज्वाइन करने का फ़ायदा टेलीग्राम का यही है कि जो छोटी मोटी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो अपडेट होती है वो मैं उसी में आपको देता हूँ, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए आप सभी को पता ही होगा कि अभी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, फाइनली 1 से 2 दिन और बचे आपके फाइनली सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। अब देखिए कई स्टूडेंट, मैंने जिस तरीके से मैंने लाइव मैंने स्टूडेंट से बात करी तो उनका कहना यही है सबसे ज़्यादा कि सर हमारी आंसर शीट लेट सबमिट हुई है, क्या हमें सेकंड फेज देना है या नहीं। देखिए अभी तो कोई गाइडलाइंस नहीं आई है इसके लिए, मैं पिछले साल के अनुसार आपको बता रहा हूँ। लाइव सेशन में भी मैं पिछले साल के अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि अभी सेकेंड फेज के लिए ना तो कोई नोटिफिकेशन आउट हुआ है ना तो कोई गाइडलाइंस आई है, ठीक है। बाकी सेकंड फेज़ की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये एग्ज़ाम हो रहे थे तो रिव्यू कमेटी, जब इन्होंने कमेटी में जब इन्होंने बैठक करी थी मीटिंग में, तो जो हमारे बीसी जोशी जी है, जो हमारे वाइस चांसलर है, तो उन्होंने ये बात उठाई थी कि जो फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा उनका दोबारा से एग्ज़ाम हम लेंगे सेकेंड फेज़ में, पर उसकी कोई डेट नहीं बताई है। अब मैं अनुमानित डेट क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये एग्ज़ाम किस किस को देना है। तो पिछली साल के अनुसार ऐसा था, पिछली साल की जो गाइडलाइंस थी उसमें क्या था मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, ठीक है, पहला तो वो एलिजिबल रहेगा। दूसरा, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने 4 में से 3 दिए एक नहीं दे पाया वो एलिजिबल रहेगा, ठीक है। एक वो स्टूडेंट जिसने अपनी आंसर शीट तो अपलोड की पर गलती से रॉन्ग आंसर शीट अपनी अपलोड कर दी, एक तो वो एलिजिबल रहेगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अब उसके ना रूल्स क्या क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये लिखा था कि अगर जिस बच्चे ने फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम दे दिए और सेकंड फेज़ के भी एग्ज़ाम देता है, अगर वहाँ पे जब आपकी सीट कंसीडर की जाएगी, अगर फर्स्ट फेज़ के एग्ज़ाम में अगर आपकी आंसर शीट पहले मिल जाती है और सेकंड फेज़ में अगर मिलती है डबल डबल, तो एक को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और एक को चेक कर लिया जाएगा। अब ये नहीं पता दोनों में से किसको चेक किया जाएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये एग्ज़ाम उस वही स्टूडेंट दे सकता है जिसने ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं दे पाया है या किसी कारणवश उसकी आंसर शीट अपलोड नहीं हो पाई है। अब कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमने तो मेल पे अपलोड किया है, क्या मेल पे भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। देखिए अभी तो मैं मेरे एक ही बात कहना है कि अगर आप SOLB फॉर्म मिलाओगे वो भी यही कहेंगे कि जब तक कोई अनाउंसमेंट एग्जामिनेशन ब्रांच से नहीं आएगी तब तक कुछ कहना मुश्किल है। दूसरा, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, अगर रिजल्ट आता है रिजल्ट के अंदर ऐसी कोई गड़बड़ी मिलती है, ठीक है, आप अकेले नहीं हो, हज़ारों तादाद में स्टूडेंट ऐसी प्रॉब्लम में जाएंगे, अब्सेंट ही होंगे। ER तो किसी की नहीं आएगी, क्योंकि ER क्यों नहीं आएगी, क्योंकि सबने एग्ज़ाम दिया है। तो अगर किसी की ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हज़ारों की तादाद में अगर अब्सेंट आती है, तो कहीं ना कहीं खुद आपको इनवाइट करेंगे, कहेंगे कि जो आपके पास PDF थी जो आपने एग्ज़ाम दिए थे उनको आप दोबारा हमें दे दीजिए, हम आपका रिजल्ट 1 से 2 हफ्ते में दोबारा डिक्लेयर कर देंगे, ये काम करेंगे। अब सेकंड बात ये है कि सर मैंने तो फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम दिया, मेरी आंसर शीट ईमेल पे सबमिट हुई पर मुझे शक है कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा या फेल हो जाऊँगी, ठीक है। देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक बार सेकंड फेज़ की गाइडलाइंस आ जाने दीजिए। मुझे बिना गाइडलाइंस के मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक है। पिछले साल के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले साल ऐसा था कि जिसने फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम दिया था अगर वो सेकंड फेज़ का भी एग्ज़ाम देता है तो दोनों में से एक ही सीट को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। पर इस बार ये भी हो सकता है कि ये रूल्स ये निकाल दे कि जिसने फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम दिया है
अगर वही स्टूडेंट सेकंड फेज में देखता, अगर बाई चांस फर्स्ट फेज की अगर आंसर शीट उनको पहले मिल जाती है तो कहीं ना कहीं वो दोनों का रिजेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा सोचना है। बाकी अभी ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं आई है तो गाइडलाइंस आ जाने दीजिए। अब मेन बात, सेकंड फेज का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, आपके मन में ये डाउट है तो एक बार बताइए कि कई स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं कि जो कोरोना की वजह से पेपर नहीं दे पाए, आप खुद होशियार हो, आप खुद समझ सकते हो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी पागल नहीं है जो एक भी स्टूडेंट को छूटने देगी। सेकंड फेज का एग्ज़ाम ज़रूर होगा, पर कब होगा उसके लिए अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। पर अगर अनुमानित डेट शीट की मैं बात करूँ, जिस तरीके से मैंने सर से पूछा, तो उनका ये कहना है कि जुलाई में कंडक्ट कराए जाएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम ख़त्म होने का 10 से 12 दिन तो लगेंगे ये जो अभी हुआ है इसको संभालने में। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, तो इसीलिए आप कुछ मत कीजिए, वेट कीजिए। जैसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी इस मुद्दे के ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पड़ी आपके एग्जामिनेशन को लेकर। पर अगर आप कॉलेज अपडेट्स के साथ जुड़े हैं तो विश्वास रखिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हुए हैं, कि कहीं ना कहीं एक बार बताइए, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लाइव आ रहे हैं आपके लिए, सब आपके लिए। क्योंकि हमें पता है SOL के स्टूडेंट ज़्यादातर रेगुलर के भी हैं, रेगुलर की तो सर्दी होते हैं, NCVAP और SOL के स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट ऑनलाइन उनका सॉल्व कर सके। बाकी मैंने आपको बता दिया किसको देना है किसको नहीं देना, बाकी गाइडलाइन जब तक नहीं आएगी जब तक कुछ भी कहना बेकार है। तो बाकी एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जुलाई में सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, डेट अभी नहीं आएगी, डेट शीट जैसी आएगी मैं बता दूंगा। बस आपको जुड़े रहना है और SOL की साइट को विजिट करना है। नोटिफिकेशन कभी भी आउट हो सकता है, पर नोटिफिकेशन तभी आउट होगा जब फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसके मन में अभी भी डाउट है कि सर मैंने ये लेट हुआ है, मैंने गलत रॉन्ग सीट करी है, जो हुआ हुआ, अब आप नहीं बदल सकते उस चीज़ को, इसको आप गांठ बांध लो, अब जो हुआ है वो तो हो चुका है, बाकी अब क्या करना, अब उस चीज़ को सुधारना कैसे, तो ये तभी सुधरेगी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई SOL की तरफ से निकाली जाएगी। तो इसके लिए आपको सब वेट करना है, जैसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई आएगी मैं आपको बता दूंगा। बाकी निश्चिंत रहिए मेरी तरफ से, और बाकी आप खुद भी इतने स्ट्रॉन्ग हो। बाकी हाँ, मुझे पता है आपकी साल ख़राब हो सकती है, पर ऐसा नहीं है, पिछली बार भी हाँ हमें लग रहा था कि कई स्टूडेंट की साल ख़राब होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। बाद में सबसे अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये किया कि खुद इनवाइट किया, कहा कि आप अपनी आंसर शीट लेके आओ हमारे पास और हम चढ़ा देंगे आपकी नंबर और हम आपका रिजल्ट निकाल देंगे। इस बार भी यही होगा, क्योंकि उनको पता है मजबूरी है, पैंडमिक है, तो ये आपने एग्ज़ाम दिया पर गलती उनके पोर्टल में थी, गलती उनकी थी, ठीक है। अपनी तरफ से निश्चिंत रहिए, जो हुआ हुआ भूल जाइए, वेट कीजिए रिजल्ट का या ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, जैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। बाकी सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम होगा पर अभी डेट नहीं आई है, ठीक है। बाकी जिन स्टूडेंट को प्रूफ चाहिए, आप एक काम करना, एक गाइडलाइंस आई थी 1 तारीख से पहले, उसे आप पढ़ लेना, न्यूज़ में भी काफ़ी था, उसे पढ़ लेना उस मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए, ठीक है। बाकी मैं खुद से खुद बना के नहीं बोल रहा, मुझे कोई बेनिफिट नहीं है बताने का, बस मैं ये चाहता हूँ ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो परेशान हो रहा है, बाकी कोई भी आपके डाउट हो कि सर मैंने लेट हुआ है, मुझे डाउट है, तो आप एक काम करना सेकंड फेज में दे देना, पर गाइडलाइंस आ जाने दीजिए। उसमें अगर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता कि दोनों ने अगर दे चुक, अगर पहला भी दिया दूसरा दोगे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो फिर आप दे देना वरना मत देना, ठीक है। बाकी नए तरीके से पेपर होगा वो सेकंड फेज का, नए क्वेश्चन पेपर, नए हर चीज़ होगी। बाकी वेट कर लीजिए, जैसे होगा मैं आपको बता दूंगा, जैसा भी होगा घबराना नहीं है। बाकी आप मजबूत हो, फाइनल ईयर में पढ़ते हो, और लाइव में दोबारा ज़रूर आऊँगा, ऐसी बात नहीं, मुझे पता है इस स्टूडेंट से मैं बात नहीं कर पाया, अब क्या बताएं, नेट की ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, तो कोई ना कोई सलूशन मैं निकाल लूँगा जल्द से जल्द। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही, इसी से आप काम चला लीजिए कैसे ना कैसे, मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।